गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स. दिस इज योर मैथ्स क्लास. आई एम योर मैथ्स टीचर. सो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज फ्रैक्शंस. आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रैक्शन है. स्टूडेंट, बहुत ही ईजी है. आपको अच्छे से वीडियो को देखना होगा, बहुत अच्छे से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा स्टूडेंट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस. देखिए एवरी स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 82. चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, आपका बुक में, देखिए आपके बुक में ऊपर फ्रैक्शन है. आपका चैप्टर जो है वो फ्रैक्शन है, ये मेंशन किया हुआ है. देखिए इसमें स्टूडेंट्स, हमारा फ्रैक्शन होता क्या है पहले हम इसको समझते हैं. फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न. ओके, तो फ्रैक्शन का जो हिंदी नेम है वो भिन्न है. अब ये भिन्न या फ्रैक्शन होता क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ अ होल और वन. इसका मतलब है जो कोई भी एक आपको वन कोई भी एक फिगर दिया है, कुछ भी दिया है, उसके होल पार्ट, उसका जितने भी पार्ट करे गए हैं उसके जो पार्ट हैं वो सब जो है वो फ्रैक्शन कहलाते हैं. कोई भी एक चीज़ के जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो फ्रैक्शन कहलाते हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ थिंग, कोई ऑब्जेक्ट होता है या फिर कोई ग्रुप ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज़ का कोई ग्रुप होता है, इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, उसको पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिया जाता है देन ईच पार्ट इज अ फ्रैक्शन ऑफ द होल. तो वो उसका जो हर एक जो पार्ट होता है वो उस पूरे पार्ट का जो पूरा फिगर दिया है उसका क्या होता है, वो फ्रैक्शन कहलाता है. उस पूरे होल मतलब जो पूरा एक फिगर दिया है उसके जितने भी पार्ट हैं वो फ्रैक्शन कहलाते हैं. देखिए जैसे कि सपोज दैट हमने, अभी हम इसको समझेंगे, हमने एक यहाँ स्क्वायर बनाया. ओके, ये देखिए एक स्क्वायर बनाया, थोड़ा स्क्वायर, ये रेक्टेंगल सी शेप आ रही है इसकी. ओके, ये देखिए स्क्वायर बनाया हमने, इस स्क्वायर को डिवाइड कर दिया थ्री पार्ट, तो ये हमने थ्री पार्ट कर दिया. तो ये हमारा, ये जो हमने स्क्वायर बनाया ये हमारा क्या हो गया, होल, ये वन हो गया हमारा, वन वन फिगर हो गया, या हम इसको होल कह सकते हैं. ठीक है, फिर इसके हमने और पार्ट्स कर दिए, तो हमने एक जो हमारा एक जो पिक है, जो हमने एक वन फिगर जो लिया उसके हमने कितने पार्ट कर लिए. फिगर तो हमारी वन ही है ना, ये तो हमारा वन ही है ना, इसके हमने पार्ट्स कितने कर दिए, इसको हमने कई सारे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया. कितने पार्ट्स किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने पार्ट्स हो गए स्टूडेंट्स, 9 पार्ट्स. हमने एक ही पिक फिगर के, यानी एक हमने बॉक्स लिया उसके 9 पार्ट हमने डिवाइड कर दिए. तो ये जो हमारा, हमने उसको भागों में बांट दिया. ठीक है, तो लेकिन चीज हमारी एक ही है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है, यानी कि फ्रैक्शन कहलाता है. ओके, तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, हमारा बॉक्स कितना था, हमने पार्ट लिया ओनली वन, हमारा ये तो वन ही है ना, क्योंकि हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 9 पार्ट्स में. ओके, तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा, हमने जो हमारी कोई भी एक चीज है हमने उसको डिवाइड कर दिया 1/9 में, हमने उसको डिवाइड कर दिया. समझ आ गया स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फ्रैक्शन होता है. चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं. आपकी बुक में भी कुछ इसी टाइप का एक दिया हुआ है, डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी. देखिए नेक्स्ट ये है वन हाफ. वन हाफ का मतलब क्या होता है, वन हाफ यानी कि वन माने पूरा और हाफ माने आधा. कोई भी एक चीज को टू पार्ट में डिवाइड करना, उसके हाफ पार्ट कर देना. ओके, टेक अ स्ट्रिप, एक स्ट्रिप ली है, ये आप देख सकते हैं पिक में ही आपकी स्ट्रिप ली हुई है. ये मैं आपको इसकी एक बार पिक अपनी साइड से भी बना के शो करा देती हूँ स्टूडेंट्स. हमने ये एक स्ट्रिप लिया. ओके, अब डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, हमने टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया, दो बराबर बराबर भागों में इसको बांट लिया. शेड वन पार्ट, हमने इसका जो वन पार्ट है हमने उसको शेड करा. चलिए शेड कर लेते हैं इसको, शेड में उसको कलर कर लेते हैं. देखिए
ये देखिए, हमने उसके हाफ पार्ट को हमने क्या किया, हमने शेड कर लिया। ओके, अब क्या होगा, द शेडेड पार्ट इज वन पार्ट आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स। मतलब जो शेडेड पार्ट है वो वन पार्ट हो गया, कितने में से, टू इक्वल पार्ट में, उन दो पार्ट में से जो एक पार्ट था वो हमारा शेडेड पार्ट हो गया। यानी कि पार्ट तो हमारे टू थे, वन पार्ट और टू पार्ट, स्ट्रिप हमारी वन थी, तो हमारा क्या हो गया, द शेडेड पार्ट पार्ट इज वन पार्ट आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट, इन दो पार्ट में से एक पार्ट हमारा शेडेड हो गया। द शेडेड पार्ट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, वन एंड हाफ, वन एंड हाफ। ओके, क्योंकि शेडेड पार्ट, टू पार्ट्स, हमारे टोटल पार्ट्स कितने हैं, हम नीचे नंबर लिखते हैं, जो हमारा स्टूडेंट्स, जो हमारी नीचे वाली जो होती है डिजिट, वो हमारा नीचे हम लिखते हैं टोटल नंबर। तो टोटल नंबर हमारे कितने हैं, वन टू, टू लिख दिया। शेडेड पार्ट कितना है हमारा, वन, हमने वन लिख दिया, वन अपॉन टू, यानी कि द शेडेड पार्ट इज कॉल्ड वन एंड हाफ, यानी कि आधा। तो वन हाफ इज रिटन एज, इसको हम ऐसे भी, हम इसको आप देख सकते हैं, इसको हम नंबर्स नेम में ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और हम इसको वर्ड्स में हमने ऐसे लिख दिया, नंबर नेम में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन एंड हाफ, जो मैंने यहाँ लिखा था अभी। द अनशेडेड पार्ट इज ऑल्सो वन पार्ट आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट। जो अनशेडेड पार्ट है वो भी वन पार्ट है आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स में, तो यानी कि अब दो पार्ट, टू पार्ट्स अभी भी यहाँ पर है, तो अनशेडेड भी वन है और शेडेड भी वन है। सो द अनशेडेड पार्ट इज ऑल्सो वन हाफ, तो जो अनशेडेड पार्ट है वो भी वन हाफ है। आप चाहे शेडेड पार्ट ले लीजिए, वो भी वन एंड हाफ है, और ये अनशेडेड पार्ट ले लीजिए, वो भी हमारा वन एंड हाफ है। द टू वन हाफ मेक अ होल, और जब दो हाफ मिलते हैं, हाफ ये वाला हाफ एंड ये हाफ, तो ये दोनों हाफ मिलके हमारा क्या बना देते हैं, मेक अ होल, एक पूरा होल फिगर बना देते हैं। ओके, यानी कि वन स्ट्रिप है हमने जब इनको मिलाया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सेम इसी पैटर्न पे आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है 7.1। ओके, आपको इसमें क्या करना है, शेड हाफ ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इसमें जो फिगर दिया हुआ है आपका, उसमें हाफ को, हाफ फिगर को आपको शेड करना है, यानी कि आधे फिगर को, आधे चित्र को। तो जैसे कि देखिए, चलिए देखिए, ये आपका आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल में बीच में से ट्रायंगल को डिवाइड करा हुआ है, तो अब हमें इसको शेड करना है। ये देखिए, अरे स्टूडेंट्स, चलिए पेन से ही करते हैं इसको, अभी जो हमने लिया उसको रेज कर देते हैं। देखिए, हमने हाफ पार्ट ने शेड कर देना। ओके, आपको अच्छे से करना है इसको, अपनी बुक में बहुत ही नीट एंड क्लीन करना है, एकदम नीट एंड क्लीन आपको इसको शेड करना है। ओके, प्रॉपर वे में। ओके, तो ये हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, वन एंड हाफ हो जाएगा, यानी कि हमारा फिगर होल पार्ट जो है हमारा वो वन है, उसके हमने टू पार्ट्स कर दिए, तो ये हमारा हो गया वन एंड हाफ। ओके, सेम हमें ऐसे ही इसको करना है, इसको भी वन एंड हाफ पार्ट को हमें फिगर जो दिया है इसको शेड करना है। आपको अच्छे से करना है स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा रफली आपको वीडियो में आपको शो हो रहा होगा, लेकिन आपको अपनी बुक में इसे अच्छे से कलर से इसको शेड करना है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी आया है वो, आपको जरूर इस वाली एक्सरसाइज को करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। ओके, चलिए, सेम आपको ही ऐसी, जैसे मैंने आपको ए और बी बताया था, सेम आपको सी डी ई एफ जी एच आई आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए कम टू द नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं आपका। ये आपका 7.1 आपको समझ आ गया होगा। अब हम, ये आपका पेज नंबर 82 है, अब हम आपका पेज नंबर 83 पे आते हैं स्टूडेंट। देखिए, अभी मैंने आपको इसमें समझाया था वन एंड हाफ पार्ट को, आपको डिस्कस किया था, अब हमारा आता है वन एंड थर्ड पार्ट। हमने हमारी स्ट्रिप अभी भी हमने वन ली है, बट अब हमने उसके टू पार्ट्स की जगह हमने उसके थ्री पार्ट्स करे हैं। ये देखिए हमारी स्ट्रिप है, हमने इसके थ्री पार्ट कर दिए, वन टू थ्री इक्वल पार्ट्स कर दिए, थ्री।
शेड वन पार्ट, और हमने इसको इसके वन पार्ट को आप देख रहे होंगे ये शेड किया हुआ है. ओके द शेडेड पार्ट इज वन पार्ट आउट ऑफ थ्री इक्वल पार्ट्स. तो ये क्या हो गया, थ्री इक्वल पार्ट्स थे, थ्री इक्वल पार्ट्स में से वन पार्ट जो गया हमारा वो शेडेड पार्ट हो गया. तो शेडेड पार्ट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, वन थर्ड, क्योंकि वो आपकी लास्ट वाली अभी जो आपको समझाया था उसमें आपका टू पार्ट्स में से वन किया तो वन एंड हाफ कहलाया था, ये थ्री है तो वन थर्ड कहलाएगा. मैंने आपको बताया था टोटल नंबर जो होते हैं हमारे वो नीचे रहते हैं एंड जो हमारा शेडेड पार्ट है वो ऊपर रहेगा. तो ये हमारा हो गया वन थर्ड, है ना. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हमारे वर्ड्स में और हम इसको नंबर्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, वन थर्ड. ओके, थ्री वन थर्ड मेक्स अ होल. जब तीन हमारे वन थर्ड मिल गए यानी कि वन टू थ्री, जब ये तीन मिले हैं तो हमारा क्या बना, मेक्स अ होल. तो ये पूरी स्ट्रिप बन जाती है. अनशेडेड पार्ट इज टू पार्ट आउट ऑफ थ्री इक्वल पार्ट्स. अब स्टूडेंट्स शेडेड पार्ट तो हमारा वन है तो हमने वन थर्ड लिख दिया, बट अनशेडेड पार्ट्स क्या है हमारे, टू, वन टू. अनशेडेड पार्ट टू है तो किस में से, आउट ऑफ थ्री में से, थ्री इक्वल पार्ट्स में से. तो वी से दैट अनशेडेड पार्ट इज टू थर्ड ऑफ द होल. ये हमारे टू थर्ड पार्ट हो गए यानी कि हमारे होल में से हमने जो थ्री पार्ट्स है उसमें से हमारे अनशेडेड पार्ट कितने हैं, टू. तो इसको हम टू थर्ड बोल सकते हैं. ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी इसको कर सकते हैं. तो ये भी समझ आ गया होगा स्टूडेंट, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है. बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो टोटल नंबर्स होते हैं वो हमारे नीचे रहते हैं उनका काउंटिंग, और उसमें से हम चाहे शेडेड पार्ट पूछें या अनशेडेड पार्ट पूछेंगे उनको काउंट करके हम उसके ऊपर लिख देंगे. ओके, सेम ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज 7.2 दिया हुआ है, शेड द फॉलोइंग फिगर टू शो वन थर्ड. आपको इन फिगर को क्या कहते हैं, कलर करना है स्टूडेंट्स, जिससे आपको ये शो हो जाए, वन थर्ड पार्ट शो हो जाए. तो देखिए हमारे थ्री पार्ट तो हो रहे हैं, वन टू थ्री हमारा पार्ट हो रहे हैं, इसमें हमें वन थर्ड करना है यानी कि वन पार्ट को, कोई से भी वन पार्ट को हमें इसमें कलर फिल करना है. ये देखो मैंने कलर किया, मैं प्रॉपर कलर इसलिए कर रही हूँ स्टूडेंट जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो कि आप कुछ स्टूडेंट फिर इसमें देखकर कि थोड़ा रफली कलर किया हुआ है मैम ने, हम भी ऐसे ही कर लें, ऐसे नहीं करना है, प्रॉपर अच्छे से कलर करना है. तो अब आप देखिए ये जो आपकी पिक है ये आपके वन थर्ड पार्ट को शो करा रही है. कैसे, टोटल पार्ट हमारे कितने हैं, वन टू थ्री, थ्री पार्ट हो गए टोटल. अब हमारा शेडेड पार्ट कितना है, ओनली वन, तो ये हो गया वन थर्ड. सेम ऐसे ही आपको आपके जो क्वेश्चन वन है इसमें सारे कलर करने हैं, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे ही सेम आपको बी सी, ऐसे ही सेम आपको सारे होमवर्क में बुक में ही करना है. ओके, नेक्स्ट आपका है 7.2, शेड द फॉलोइंग फिगर टू शो टू थर्ड. ओके, आपको नेक्स्ट जो फिगर है क्वेश्चन टू है उसमें आपको इन फिगर को दिखाना है, टू थर्ड पार्ट को आपको शो कराना है. तो देखिए स्टूडेंट्स आपकी जो ए बी सी तीनों जो हमारी फिगर दी हैं इन सब में थ्री थ्री पार्ट्स दिए हुए हैं, इनके हमें टू पार्ट्स को फिगर कलर करना है. वन पार्ट हमारा ये हो जाएगा कलर, आपको बाहर नहीं निकालना है, कलर अच्छे से करना है, एंड सेकेंड पार्ट ये हो जाएगा. ओके, तो देखिए अब ये हमारा जो फिगर है वो टू थर्ड पार्ट को शो कर रहा है. कैसे कि टोटल पार्ट कितने हैं, वन टू थ्री दी हो गया, हमने शेडेड पार्ट कितना कर दिया, टू, तो ये हो गया हमारा टू अपॉन थ्री. तो आपको सेम ऐसे ही बी और सी में भी करना है. अब नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपका 7.2 कंप्लीट हो गया, लेकिन आपका नीचे दिया है वन फोर्थ. अब हम समझेंगे वन फोर्थ क्या होता है. टेक अ स्ट्रिप, एक हमने स्ट्रिप ले ली, डिवाइड इंटू फोर इक्वल पार्ट्स, हमने फोर इक्वल वन टू थ्री फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. शेड वन पार्ट, हमने वन पार्ट इसका जो है वो शेड कर लिया. ओके, आप देख सकते हैं पिक में शेड हो रहा है. द शेड पार्ट इज वन पार्ट आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट्स. अब हमारा शेड पार्ट कितना हो गया, वन हो गया आउट ऑफ फोर, फोर में से वन हमारा शेड हो गया. तो इसको हम क्या बोलेंगे, वन अपॉन वन आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट्स हो गया ये हमारा. तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं.
हमारे हो जाएगा 1/4 होल में, हम 1/4 ऑफ द होल, पूरे में से हमने 1/4 पार्ट को किया है। तो अब इसको हम दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, 1/4 इज कॉल्ड 1/4। हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1/4। ओके, क्वार्टर जो होता है हमारा स्टूडेंट, हम कोई भी हमारे अगर फिगर है उसके अगर 4 पार्ट है तो 1 पार्ट हमारा जो है वो उसमें क्वार्टर कहलाता है। ओके, 4 क्वार्टर मेक्स अ होल। जब 4 क्वार्टर मिल जाते हैं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हमने एक सर्कल बनाया। ओके, ठीक है, ये सर्कल बनाया, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ओके, तो ये हमारा 4 पार्ट हो गया। अब हमारा जो एक पार्ट है वो हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये एक पार्ट, ये वाला, ये हमारा क्या कहलाता है, क्वार्टर। हम अगर हम इसके ये ऐसे हमारे ये वाला जो पार्ट है, जब हम इसमें 3 पार्ट और ऐड करेंगे तभी तो हमारा वापस से सर्कल बनेगा। ये देखिए, सॉरी स्टूडेंट्स, ये अभी आ नहीं रहा है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि जब हमारा हमारा 1 पार्ट अगर हम इसमें से निकाल लेते हैं तो 3 पार्ट रह गए, यानी कि 4 क्वार्टर मेक्स अ होल। जब 4 एक से मिलते हैं हमारे फिगर तो वो एक होल बना देते हैं, पूरा एक फिगर बना देते हैं। ओके, तो इसमें अनशेडेड पार्ट हमारा कितना रह गया, 1, 2, 3 अनशेडेड पार्ट रह गया हमारा। हम इसको अनशेडेड पार्ट को 3/4 भी बोल सकते हैं, बिकॉज 4 पार्ट है टोटल हमारे और इसमें शेडेड हो गए, अनशेडेड हो गए 3, तो हम इसको 3/4 भी बोल सकते हैं, 3/4। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट। बस इसमें हमारा एक सेम सब कुछ वही है, बस 1/4 को हम 1/4 भी बोल सकते हैं, इसको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। चलिए एक्सरसाइज 7.3 पे आ जाते हैं। देखिए एक्सरसाइज 7.3 में, शेड द फॉलोइंग फिगर टू शो 1/4। आपको इन फिगर को शो को शेड करना है जिससे ये 1/4 शो होने लगे। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें आपकी जो फिगर है 1, 2, 3, 4 फिगर दी हुई है, सारे आपकी सॉरी पार्ट दिए हुए हैं एवरी फिगर में। तो इसमें हमें 1/4 शो कराना है, यानी कि टोटल तो 4 हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4। 1 क्या करना है, हमें 1 शेडेड करना है, तो हम इसमें इसका जो 1 पार्ट है वो शेडेड कर देंगे। ये हो गया हमारा 1/4। ओके स्टूडेंट, अब समझ आ गया होगा। सेम आपको ही बी सी डी ई एफ करना है। सेकंड क्वेश्चन है, शेड द फॉलोइंग फिगर टू शो 3/4। अब आपको सेकंड क्वेश्चन में आपको 3/4 को शो कराना है, तो इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत इजी है। 3/4 हमारा टोटल नंबर है तो वो हमारा नीचे रहेगा, हमारा ऊपर कितना दिया है 4 तो नीचे है सब में हमारा, तो 4 ऐसे ही रहेगा, ऊपर हमारा हमारा फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 3, तो हमें एवरी फिगर जो हमारा दिया हुआ है पिक का, हमें 3 पार्ट्स उसके कलर करने हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। आपको स्टूडेंट प्रॉपर इसको फिल करना है, मैं आपको अगेन एंड अगेन इस बात को बता रही हूँ कि आपको अच्छे से फिगर को पूरा फिल करना है। टाइम कम होने की वजह से मैं आपको जल्दी में मैं आपको ज़्यादा इसको फिल करके ठीक से नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको वर्बली बता रही हूँ कि आपको इसे अच्छे से फिगर को फिल करना है। ओके, सेम ऐसे ही आप जी एच आई को करेंगे, जी मैंने आपको करके दिखा दिया, एच और आई को आपको करना है। ओके स्टूडेंट, चलिए ये भी आपको समझ आ गया होगा। सेम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाते हैं, जो कि हमारी है 7.4। देखिए ये देखिए 7.4 आपका पेज नंबर 85 पे है, ओनली 2 पिक्स आपकी शो हो रही है। राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। अब आपको क्या करना है, अब तक तो आपने जो पार्ट दिए थे उसमें आपको फ्रैक्शन दी थी, उसमें पार्ट शेड किए थे, अब जस्ट अपोजिट करना है। अब आपको शेडेड पार्ट दिए, अब आपको इनकी फ्रैक्शन लिखनी है। तो स्टूडेंट बहुत ईजी होता है, हमारे जो टोटल हमारा कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था हमारे होल में जितने भी पार्ट होते हैं टोटल पार्ट, हम उसको नीचे लिख देते हैं, कितने हैं 1, 2, 3, हमने 3 को नीचे लिख दिया। ओके, अब हमारे शेडेड पार्ट कितने हैं, 1, 2,
टू हम ऊपर लिख देंगे। ये हो गई हमारी फ्रैक्शन, हो गई 2/3। ओके, अब आ जाओ बी पे। सेम ऐसे ही बी है हमारी, हमारे इसके बी के पार्ट कितने हैं, 1, 2, 3, 4। इसको हम नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर में। ओके, अब हमारे शेडेड पार्ट कितने हैं, 1, 2, 3। 3 को हमने ऊपर लिख दिया। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, हो गया 3/4। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए स्टूडेंट्स। आपको ए और बी मैंने बता दिया है, सी डी ई एफ जी एच आई आपको खुद करना है। देखिए मैं आपको समझा एक एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से। ये आपके टोटल पार्ट कितने हुए हैं सी पिक में, देखिए आप 1, 2, 3 पार्ट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हम नीचे लिखते हैं 3। अब हमारा शेडेड पार्ट कितना है, ओनली 1, तो 1/3 हमारा क्या हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। ओके, चलिए आपको बाकी के खुद से करने हैं। क्वेश्चन 2 देख लीजिए, टिक द शेप्स वेयर 1.5 पार्ट इज शेडेड। आपको वो पिक लिखनी है जिसमें उसका हाफ पार्ट शेड हो रहा हो, यानी कि हाफ का मतलब है इक्वली हाफ हो रहा हो, ये नहीं है कि थोड़ा हा हो रहा है हाफ हो रहा है कि नहीं, दो बराबर बराबर भागों में भाग उसके जो पार्ट है उसमें वन पार्ट जो है वो शेड हो रहा हो। तो देखिए आपका जो ए पिक दिया है, ए में आप देखो एक एरो का साइन दिया हुआ है, इसमें आप का जो शेडेड पार्ट है वो ये बॉटम वाला पार्ट है जो शेडेड है। तो स्टूडेंट्स क्या ये हमारा इक्वली पार्ट हमारा शेडेड हो रहा है, नो ये इक्वल नहीं है। आप देख सकते हैं कि इक्वल हमारी पिक जो है वो शेड नहीं हो रही है, ये पार्ट हमारा थोड़ा ज़्यादा है, ये थोड़ा सा कम है, तो इक्वल नहीं है। इक्वल ये कब होती, अगर हम इसको ऐसे कर डिवाइड करके और इस पार्ट को पूरा अगर हम ऐसे इसको शेड करते तो ये हमारी जो पिक है वो इक्वल हो जाती है ना। ये अभी आपको मैं समझाती हूँ कैसे इक्वल हो जाती। ये देखिए देखो आप देख सकते हैं, ये पूरा जो फिगर है वो हाफ आपस डिवाइड कर दिया है, इसका जस्ट हाफ शेडेड है और जस्ट हाफ जो है वो अनशेडेड है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन जो बुक में जो शेड किया गया है वो हमारा हाफ नहीं है, ये देखो हाफ नहीं है, नीचे वाला पार्ट शेड कर दिया ऊपर वाला नहीं है, तो ये हमारा हाफ नहीं है। हमें क्या करना है, टिक द शेप, हम उसी शेप को टिक लगाना है जो हमारी हमारी हाफ शेड हो रही है, तो ये हमारी नहीं है, इसको हम टिक नहीं लगाएंगे। ओके, फिर आप टिक नहीं लगाएं तो चाहे क्रॉस कर सकते हैं या कुछ भी नहीं करिए, एज यू विश। नेक्स्ट पिक देखते हैं बी। बी पार्ट जो है वो हमारा इक्वली हाफ शेड हो रहा है, आप देखो जितना ये पार्ट हमारा शेडेड है उतना ही अनशेडेड पार्ट है, तो इक्वली है, तो ये हमारा राइट है। सेम सी हमारा राइट लगाएंगे क्योंकि ये भी हमारा इक्वल पार्ट हमारा शेड हो रहा है, जितना हमारा शेडेड पार्ट है उतना ही अनशेडेड पार्ट है, तो ये भी हमारा राइट है। नेक्स्ट आ जाइए डी पार्ट में, जो आपको फिगर दिख रहा है तो क्या ये इक्वली शेडेड हो रहा है स्टूडेंट्स, नहीं हो रहा ना। देखिए आप एक बहुत ही छोटे से पार्ट को इतना शेड कर दिया गया है, तो ये इक्वली नहीं है। इक्वली अगर होता तो इक्वली पार्ट कैसे शेडेड होता, यहाँ से हम उसको डिवाइड करते हमारा इक्वल हो जाता है, हाफ पार्ट हमारा शेडेड हाफ अनशेडेड हो जाता। ओके, बट ऐसा नहीं है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा चाहे तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं या रॉन्ग लगा सकते हैं। ओके, ई हमारा, अब आपको खुद देखना है स्टूडेंट्स कि इसमें कौन सा हमारा जो पार्ट है वो इक्वली शेडेड है और कौन सा हमारा अनइक्वली है। ओके, कम टू द नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3। टिक द शेप्स वेयर 1/4 पार्ट इज शेडेड। आपको शेप्स बनानी है वेयर 1/4 पार्ट इज शेडेड, जिसमें 1/4 पार्ट शेड हो रही है। ओके, स्टूडेंट देख सकते हैं आप, देखिए आपकी जो पिक दी है उसमें सब में 4 पार्ट हमारा दिया हुआ है ना, तो आपको इसमें क्या करना है, टिक द शेप्स वेयर 1/4 पार्ट इज शेडेड, उसको टिक करना है जिसमें 1/4 पार्ट शेयर हो रहा है, तो जिसमें इसका मतलब हमारा जो भी फिगर है उसमें 4 उसके पार्ट होना चाहिए और उसमें 1 पार्ट हमारा शेड होना चाहिए, तो वो फिगर हमारी राइट है। तो देखिए फर्स्ट जो फिगर है आपके 4 पार्ट है, 1, 2, 3, 4, इसमें 1 फिगर हमारी जो है वो शेड हो रही है, तो इसका मतलब ये हमारा राइट है। नेक्स्ट जो है हमारा स्टार 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 हमारी इसके पार्ट दिए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि 4 पार्ट हमें चाहिए, तो ये रॉन्ग, ये हमारी राइट है क्योंकि 4 पार्ट है और 1 पार्ट इज शेडेड। ये 1, 2, 3, 4, ये 4 है, इसमें 1 हमारा फिगर हमारा शेडेड हो रहा है, तो ये भी हमारा राइट है। सेम ऐसे ही आपको इनको करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी का इसको सेम अब आप करेंगे।
चलिए, ये आपका पेज नंबर 86 पे जो आपका ये एक्सरसाइज दिया था 7.4, आपका ये इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए आप। राइट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल इज अनशेडेड, आपको बताना है कि इसमें आपको फ्रैक्शन लिखनी है कि अनशेडेड पार्ट की क्या फ्रैक्शन। राइट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल इज अनशेडेड, अनशेडेड पार्ट की लिखनी है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे आपको उसमें शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन नहीं लिखनी है। ओके बट इस चलिए तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, पहले आप मैंने आपको भी समझाया भी था कि अनशेडेड पार्ट अभी जो आपको मैं समझा रही थी उसमें शेडेड भी समझा रही थी मैं आपको और अनशेडेड भी समझा रही थी, तो अब हमें इसका फ्रैक्शन लिखना है। तो कैसे करेंगे, हमारा टोटल हम इसका ना जो पार्ट है वो काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमारा इसमें कितना पार्ट है, 6 पार्ट है टोटल। ओके इसमें टोटल हमारा 6 पार्ट है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, हमारा शेडेड पार्ट कितना है 1, हम टोटल पार्ट्स को नीचे लिखेंगे 6 और जो शेडेड पार्ट है वो हमारा 1 है उसको हम ऊपर लिख देंगे, तो ये हो गया अपना हमारा 1/6। ओके नेक्स्ट देखिए, हमारा इसमें टोटल पार्ट हमारा क्या है, इसमें बी में हमारा टोटल पार्ट कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 को हम नीचे लिख देंगे, शेडेड पार्ट कितना है 1, 2, 3 उसको ऊपर लिख दिया। सेम ऐसे ही आपको करना है, काउंट द टोटल पार्ट ऑफ द फिगर आपको नीचे लिखना है एंड शेडेड पार्ट काउंट करके आपको ऊपर लिखना है, ये आपको ऐसे ही करना है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे, कलर अ पार्ट ऑफ ईच होल टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शंस, आपको इसमें क्या करना है, कलर अ पार्ट करना है, आपको वो पार्ट कलर करना है जो आपकी फ्रैक्शन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें पार्ट को कलर करना है। जैसे आपका जो फ्रैक्शन दिया है वो दिया है 5/12, तो 12 जो हो गया वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट हो गया। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये टोटल नंबर हो गया। अब इसमें आपको कलर कितने करने हैं, कितने दिए हैं हमारे इसमें फ्रैक्शन में, 5 दिया है हमारे जो हमें कलर करने हैं। ओके तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 पार्ट को कलर कर देंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 आपको पूरा कलर करना है अच्छे से, मैं फिर से आपको बता रही हूँ। ओके सेम आपको ऐसे ही करना है, 4 पार्ट दिए हुए हैं, 3, 4 में से हमें कितने कलर करने हैं, 3, 1, 2, 3 ये हमारे कलर हो। ओके ओके चलिए स्टूडेंट्स, ये आपको खुद से करना है, सेम आपको ऐसे ही आई तक करना है अपनी बुक में। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट, राइट द फ्रैक्शन इन फिगर, आपको क्या करना है, जो फिगर जो फ्रैक्शन है ये जो फिगर दिए हुए हैं इनकी फ्रैक्शन लिखनी है, हाफ, हाफ का मतलब होता है आधा, 1/2। ओके 1/6 का मतलब होता है हमने 6 के 1 पार्ट कर दिए, 6 में से 1 कर, तो ये हमारा हो गया 1/6। 7/10 कितना होता है, 10 के में से 7 पार्ट को हमने शेडेड कर दिया, वो गया हमारा 7/10। ओके और स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया भी था, नेक्स्ट आपका दिया है इसमें क्वार्टर, तो मैंने आपको बताया भी था कि क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर मैंने आपको बताया था आपका अभी जो आपकी इससे पहले वाले में पढ़ाया था उसमें आपको क्वार्टर अच्छे से समझाया था, तो आई होप कि आपको वो समझ आ गया होगा। सेम ऐसे ही आपको ये आगे के सारे इसमें करने हैं, क्वार्टर हो जाता है आपका कोई भी सर्कल है उसका, मैंने बताया था ना 1/4 पार्ट, तो ये हो गया हमारा 1/4। ओके मैंने आपको बताया था 4 क्वार्टर मिलके हमारा एक होल बना देते हैं, तो सेम ऐसे ही आपको ये पूरा करना है, कुछ मैंने आपको कुछ करके दिखा दिया, बाकी आपको खुद करने हैं। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 7, राइट इन वर्ड्स, ये वर्ड्स में दिए थे आपको, आपको इन्हें नंबर में लिखा, फिगर में लिखा, अब ये आपको इनको वर्ड्स में लिखने हैं, 1/3 दिया है, तो ये हम इसको क्या लिखेंगे, 1/3, हम इसको क्या लिखेंगे, 1/3। ओके नेक्स्ट बी दिया है आपका 2/9, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2/9, 2 ऊपर हो गया बाई 9 नीचे, नाइन का स्पेलिंग दोबारा लिखेंगे NIN। ओके सेम ऐसे ही आपको करना है, जैसे 3/7 है सी पे तो हो जाएगा 3/7। ओके चलिए
क्वेश्चन 8 पे आ जाते हैं. राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन. स्टूडेंट पहले हम समझते हैं न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है. न्यूमरेटर होता है हमारा जो ये हमारे फ्रैक्शन है, इसमें जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है वो होता है हमारा न्यूमरेटर. ओके और जो हमारा नीचे का पार्ट होता है वो होता है हमारा डिनोमिनेटर. शॉर्ट में बता रही हूँ मैं आपको. हम इसको हिंदी में ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं अंश, और अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हर, और हर को हिंदी में बोलते हैं डिनोमिनेटर. ओके तो अब आपको इस फ्रैक्शन में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनके अलग लिखने हैं. तो न्यूमरेटर क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था ऊपर वाला पार्ट होता है हमारा न्यूमरेटर में, तो हम इसको लिख देते हैं. न्यूमरेटर क्या हो गया हमारा 1 और डिनोमिनेटर हो गया हमारा 3. ओके सेम ऐसे ही 7/9 में हमारा न्यूमरेटर हो गया 7 और 9 हो गया हमारा डिनोमिनेटर. सेम ऐसे ही बाकी के आपको सी डी ई एफ करना है. फिर से बता दूं, न्यूमरेटर हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम अंश बोलते हैं हिंदी में, और डिनोमिनेटर हमारा नीचे वाला पार्ट होता है डिजिट होता है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में हर. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 9. राइट द फ्रैक्शन हूज. आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको इनका फ्रैक्शन लिखना है. देखिए अब आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता है तो आप फ्रैक्शन बना देंगे तुरंत. हमें न्यूमरेटर को ऊपर लिखना है और डिनोमिनेटर को नीचे लिखना है, तो हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी 3/5. ओके सेम बी पार्ट में हमें न्यूमरेटर 6 है डिनोमिनेटर 11 है, तो ये हो जाएगा 6/11. न्यूमरेटर हमने ऊपर ले लिया और डिनोमिनेटर हमने नीचे कर दिया. ओके नेक्स्ट है हमारा सी. डिनोमिनेटर पहले दे दिया अब और न्यूमरेटर बाद में दे दिया, तो कोई बात नहीं, पहले तो हमें न्यूमरेटर लिखना है. डिनोमिनेटर दिया तो डिनोमिनेटर को हम नीचे लिख देंगे. ओके ये मैं आपको एरो लगा के बता रही जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो और किसी की ऐड ना कर दे. और न्यूमरेटर 2 है उसको हमने ऊपर लिख दिया. ओके न्यूमरेटर चाहे पहले दिया हो या बाद में दिया हो आपको लिखना उसी के प्लेस पे. न्यूमरेटर ऊपर होता है डिनोमिनेटर नीचे होता है. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन 10. फिल इन द ब्लैंक्स. ओके आपको उसमें क्या करना है, जो आपकी फिल खाली जगह को आपको फिल करना है. ओके तो क्या हो जाएगा, हाफ्स मेक अ होल. कितने हाफ्स मिलके एक होल बनाते हैं, तो 2 हाफ, दो आधे आधे पार्ट मिलके हमारा एक होल पूरा पार्ट बना देते हैं. नेक्स्ट है 1/5 मेक अ होल. 1/5 क्या होता है, मेक अ होल, कितने मतलब फिफ्थ मिलके हमारा होल बनाएंगे, तो हमारा इसमें आ जाएगा 5. ओके 1/9 मेक अ होल, जो अगर 1/9 है तो कब मिलके एक होल बनाएंगे, तो 9 जब मिल जाएंगे तो हमारा एक होल बन जाएगा. क्वार्टर्स मेक अ होल, कितने क्वार्टर्स मिलके एक होल बनाएंगे, तो ये है मैंने आपको भी बताया भी था, 4 क्वार्टर्स मिलके हमारा एक होल बना देंगे. नेक्स्ट है 1/16 मेक्स अ होल. 1/16 कितने 1/16 मिलेंगे जो जब हमारा एक होल बनेगा, तो इसके लिए हमें लिखना होगा 16. ओके 1/16 हमारा दिया हुआ है, 1/16 मेक्स अ होल. तो स्टूडेंट्स ये हमारा वो पार्ट दिया हुआ है, तो हमें उसको इसमें बताना है कितने पार्ट हमारे जो मिलेंगे जो अब हमारा होल बन जाएगा, तो इसमें हमारा आ जाएगा 16. ओके आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई हो स्टूडेंट्स. आपको ऐसे ऐसी एक्सरसाइज अपनी बुक में ही फिल करनी है, और अगर इसमें बहुत ही इजी है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अच्छे से इसको समझिएगा. ओके थैंक यू.